हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा की क्लासरूम। तो मेरे साथ आज इस क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और आज की क्लास में हम लोगों को क्या करना है, इस क्लास के अंदर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करना है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज द ईयर। कान के बारे में पढ़ना, ईयर के बारे में स्टडी करनी है। क्या है ईयर, स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन कैसे करता है ईयर के हिसाब से ना बेटा। बहुत सारी बातें ईयर के अकॉर्डिंग या ईयर को लेके हम लोग बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी बातें पढ़ा करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने क्या करना है, क्या देखना है, कैसे समझना है, ये पूरी की पूरी कहानी आओ देखते हैं। ईयर की बात करते हैं तो ईयर एग्जैक्टली है कैसा सा स्ट्रक्चर, देखो ईयर का सबसे पहले फंक्शन देखते हैं। फंक्शन के नाम पर ईयर पर लिखा हुआ है कि ये सुनने में काम करता है, ये तो हमें समझ आता है, बट ये बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करता है। और यहां से आपका एक बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू होता है। ये देखो बेटा, सुनने में मदद करता है, ये बात आपको क्लियर होती है, और दूसरा बॉडी बैलेंस में मदद कर रहा है। एक सेकंड रुको। हेयरिंग के लिए बेटा ये मदद करता है, मालूम कि आवाज आती है, कान के अंदर जाती है, फिर कोई ना कोई मैकेनिज्म होता है। बॉडी बैलेंस बनाने में कैसे मदद करता है और बॉडी बैलेंस हमें कहाँ, कैसे हमने इससे पहले पढ़ा था, जरा इनकी पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, याद करो बॉडी बैलेंस आप लोगों ने स्टैटोसिस्ट को लेके पढ़ा था। किसको? स्टैटोसिस्ट को। स्टैटोसिस्ट को लेके पढ़ा था कि आपने जब लोअर ऑर्गेनिज्म में स्टार्ट करते हैं सीलेंटेरेटा में, जब ओबेलिया या फिर हम कहते हैं मेड्यूसा के फॉर्म पे देखा, तो स्टैटोसिस्ट हमने वहां पे ऑब्जर्व किया और बोला कि वो स्टैटोसिस्ट बॉडी बैलेंस में मदद करता है। तो स्टैटोसिस्ट से वर्ड आता है स्टैटो, और जब भी वर्ड स्टैटो आता है ना, ये स्टैटो वर्ड बेसिकली समझाने की कोशिश करता है बैलेंस, राइट। हेयरिंग, हेयरिंग के लिए वर्ड यूज होता है अकाउस्टिक, जो सुना जा सकता है, क्योंकि जो ईयर है ये दोनों के दोनों फंक्शन कर रहा है। तो ईयर जो है उसको ना नाम दिया जाता है स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन। नाम से यहां पता लग रहा है, स्टैटो मींस रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, अकाउस्टिक मींस रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयरिंग। डन। अब हमें इस पूरे सेगमेंट में दो तरीके पढ़ने, यानी दो टॉपिक्स पढ़ने। पहला टॉपिक है कान से हम सुनते कैसे, दूसरा टॉपिक है हम कान की मदद से विद द हेल्प ऑफ द ईयर हाउ डू वी बैलेंस आवरसेल्फ, ये हमें अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले कान से सुनने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, इन सब चीजों के मैकेनिज्म को समझने के लिए हमें कान का ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझना है। स्ट्रक्चर के नाम पे बेटा हमने ईयर की एनाटॉमी देखनी है, और एनाटॉमी को करते हुए हमने एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल ईयर, इन तीन हिस्सों में कान को बांट दिया, बाहर वाला, बीच वाला, सबसे अंदर वाला, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर के अंदर पिन्ना आता है, समझाऊंगा, और दूसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, चलेगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इस स्ट्रक्चर में देखो, यहां पे आपको ये पूरी की पूरी बात दिखाई दे रही है। जब हम इस डायग्राम को बेटा ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होता है, ये जो पोर्शन आपको दिखाई देता है ना, ये इस पोर्शन को हम लोग पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना। ये जो पोर्शन आपको यहां दिखाई दे रहा है, आवाज जो होती है हवा में ना जाती है, हवा में वाइब्रेशंस मूव करती है, तो ये वाइब्रेशंस ना पिन्ना के अंदर घुसती है और अंदर इस तरीके से जाती रहती है और जाती रहती है। तो अब देखो, जहां पे आप उंगली डालते हो या कुछ करते हो कान खुजलाने के लिए, जहां से आप है ना, या पेंसिल डाल लेते हो कान के अंदर, तो कहां डालते? एग्जैक्टली इस कैनाल के अंदर, इस कान के अंदर, अंदर से एक ट्यूब से एक लंबा सा कैनाल जाता है, तो बाहर तक, जहां तक मैंने ये बाउंड्री करी है, यहां तक ये कैनाल चल रहा है। कैनाल के एक एंड पे ओपनिंग है, यहां पर अब हम बात करते हैं ओपनिंग है, और यहां पर ये जो चीज है, यह है कान का पर्दा। क्या है? कान का पर्दा, जिसको हम लोग कहते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। ईयर ड्रम बोलो, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलो, या हिंदी में कान का पर्दा, ये होता है। तो अब कान का पर्दा एक्सटर्नल का हिस्सा नहीं है, एक्सटर्नल का हिस्सा ये पूरा का पूरा, ये जो कैनाल जो यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करते हुए दिखा रहा हूँ, दिस कंप्लीट एरिया, दिस कैनाल
दिस केनाल इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर प्लस ये जो बाहर अपने को मिला है पिन्ना, ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है। जो बेटा केनाल होता है, याद रखिएगा केनाल, उसके लिए ना वर्ड केनाल और उसकी ओपनिंग, केनाल प्लस इट्स ओपनिंग, उसके लिए वर्ड ना मीटस यूज किया कर दिया जाता है, मीटस याद रखना। यानी एक्सटर्नल ऑडिटरी केनाल के साथ साथ वर्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस भी यूज होता है, जैसे यहां पे यूज किया होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। मीटस क्या हुआ, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया, ठीक है। ये था एक्सटर्नल का हिस्सा। मिडल ईयर में क्या क्या आता है, कान का पर्दा शुरू होता है, ईयर ड्रम, कान का पर्दा शुरू हुआ, प्लस उसके साथ कुछ तीन बोन्स एसोसिएटेड होती है। देखो यहां पर ये आप इधर कलर में चेंज करता हूं, अच्छा लगेगा। यहां पे ये तो दिख रहा है आपको, ये है कान का पर्दा, और कान के पर्दे के साथ यहां पे ये है पहली बोन बेटा, ये है दूसरी बोन और ये है तीसरी बोन। आपको 1 2 3 एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो एनसीईआरटी कहती है मैलियस, एंकस एंड स्टेपीज। ये तीन में आपको तीन बोन्स दिखाई दे रही है। ये किसका हिस्सा है, ये मिडिल ईयर का हिस्सा है। तो स्पेसिफिकली मिडिल ईयर के अंदर आपके पास ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आई और ये एक दो, ये तीन बोन्स है, क्लियर। अब देखो मिडिल ईयर में से जहां पे ये बोन्स है, क्या यहाँ पे ये एक एरिया जहां पे अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये एरिया भी तो मिडिल ईयर से ही निकल रहा है और यहां से एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर देख रहा है मिडिल ईयर से निकलते हुए। तो बेटा ये ट्यूब भी मिडिल ईयर का ही हिस्सा है। इस ट्यूब को अपन टर्म करते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां पे आप मिडिल ईयर में देख रहे हैं, तो पहली बात कान का पर्दा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्लियर। दूसरा बोन्स मेलियस इंकस स्टेप्स, प्लस इसके साथ यूस्टेशियन ट्यूब। बोलो बात क्लियर हुई। मेलियस इंकस स्टेप्स, ये तीन छोटी छोटी बोन्स होते हैं बेटा, इसको कुछ लोग स्टेपीज भी कहते हैं, कोई टेंशन मत लो, आराम से जो मन करता है वो बोलो। पेपर में बोल के नहीं दिखाना है, पेपर में लिख, क्वेश्चन को टिक करना, आंसर को, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। मेलियस इंकस स्टेप्स, ये तीन अपने पास बोन्स की बात हो रही है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे। मेलियस इंकस स्टेप्स ये तीन बोन है, इनकी बेटा बोन की ना डेफिनेट शेप होती है। जब आज मैं आपको ये लेक्चर कराऊंगा तो इसके साथ एसोसिएटेड मैं आपको एक वीडियो भी दूंगा विद इन द लेक्चर इटसेल्फ, यू विल रियलाइज कि हाउ एग्जैक्टली डज इट गो, या किस तरीके से चल रहा है कान का मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। जब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग के लिए जब मैं आपको वीडियो ऐड आपको दूंगा इसके साथ साथ, तो आपको रियलाइज करेंगे हियरिंग एग्जैक्टली कैसे होती। मीनवाइल यहां तक ये वाली बात मुझे लगता है आपको समझ आ गई। अब इंटरनल ईयर आता है, क्या आता है इंटरनल ईयर। ये इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर बेटा एकदम भूल भुलैया जैसा है, कैसा है भूल भुलैया जैसा। तो वो इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर एग्जैक्टली किस किस चीज का बना है, कैसा बना है, यहाँ पे दो वर्ड्स मैंने लिख तो दिए हैं, बट जब तक मैं तुम्हें स्ट्रक्चर रियल में नहीं दिखा देता ना, तब तक आप इग्नोर करो। तब तक अभी देखो कि बाहर वाली चीजें हम लोग कैसे करते हैं, बाहर वाली चीजों का फंक्शन पढ़ लेते हैं, बाकी इंटरनल ईयर का फंक्शन भी अपन पढ़ लेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर आपको पता है कि सबसे बाहर अपने को पिन्ना मिलता है, ये वाला पिन्ना मिलता है। अब साइंटिस्ट का क्वेश्चन ये है कि ये पिन्ना कर क्या रहा है, ये तो सुनने में तो कोई मदद नहीं कर रहा है यार, कैसे मदद कर रहा है, क्या कान का हिस्सा है, ठीक है, कि सिर्फ कान पकड़ के खींचने में मदद आता है, किसी और काम में भी मदद आता है, ये हमारा पॉइंट है। तो आप जरा इस चीज को अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल लीजिए एक डॉग का। डॉग क्या करता है, उसके ना कान बड़े बड़े होते हैं। अगर हम एक डॉग का इस तरीके से बनाएं, अगर एक इस तरीके से अगर एक डॉग बनाए तो इस तरीके से, ये तो ये खरगोश लग रहा है बट मान लो ये डॉग है, गाय भी लग रही है अब डॉग लग रहा है, चीख बाहर निकाल दे, तो ये डॉग है और इसके ये कान दिख रहे हैं बड़े बड़े। डॉग के कान ना इस तरीके से होते हैं और यहाँ उसके सर पे लगे। अब डॉग क्या करता है, अपने कान को ना ऐसे ऐसे हिलाते रहते हैं, कभी ऐसे बैठ जाते, कभी सीधे हो जाते कान, कभी इस तरीके से। तो डॉग अपने कानों को ना इनकमिंग आवाज के अकॉर्डिंग कहता है, जैसे कि आवाज किस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में मोड़ देता है, और ना ऐसा लगता है कि जो आवाज आ रही है वो कानों के अंदर डायरेक्ट जा रही है। यानी समझाना क्या चाहता हूं कि साउंड वाइब्रेशंस आपके बॉडी के अंदर आने चाहिए,
तो ये जो आपके पास पिन्ना होता है, ये पिन्ना क्या करता है, साउंड वाइब्रेशंस को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, कलेक्ट करता है और इकट्ठा करके उसको अंदर डालता है। यानी इस पिन्ना की जो शेप होती है वो शेप कुछ इस तरीके से होती है, ये साउंड वाइब्रेशंस लेगा, उनको कलेक्ट करके अंदर डाल देगा। तो हम कहते हैं कि पिन्ना का सिंपल सा फंक्शन क्या है, इट कलेक्ट्स द वाइब्रेशंस एंड डायरेक्ट दोज वाइब्रेशन टुवर्ड्स इनर ईयर, इंटरनल ऑफ द ईयर, इंटरनल साइड ऑफ द ईयर, कान के अंदर की तरफ भेजता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, पिन्ना को पकड़ के मोड़ दो, वापस आ जाता है, जैसे मर्जी करो वापस चल जाता है, जैसे मर्जी करो वापस चले जाता है। यानी इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी है, तुम अपनी बोन को पकड़ के खींच दो छोड़ दो वापस, नहीं होती ना, टूट जाएगी। लेकिन कान को पकड़ गया ऐसे मरोड़ दो, इस तरीके से बचपन में कितना कान हमें यार मोड़ा गया है ना, मरोड़ा, जैसे जब टीचर्स को नहीं मारना होता तो कान मोड़ देते थे, बहुत भयंकर दर्द होता। तो यहाँ पे पिन्ना के साथ भी यही सीन है, पिन्ना जो ये है इतना इलास्टिक है क्योंकि इसके अंदर येलो कलर का इलास्टिक कार्टिलेज बैठा है। बेटा अभी तक मैं आपको बोन जरूर पढ़ा चुका हूँ, लेकिन कार्टिलेज आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, यहां के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बोल रहा हूं कि ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज का बना हुआ है। सिंपल सी बात, यहां तक अपने क्लियर होते हैं। इसीलिए क्योंकि कार्टिलेज बड़ा इलास्टिक होता है, इसलिए हमारा पिन्ना के अंदर इलास्टिसिटी हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है। ठीक, नेक्स्ट एयर केनाल। अब एयर केनाल का काम क्या, कि इस तरीके से ये था अपने पास एयर और यहां पर आपके पास एयर केनाल, ये एयर बाहर से आती हुई वाइब्रेशंस को अंदर की तरफ डायरेक्ट करता है। जब वाइब्रेशंस इस केनाल में आती है ना, तो बेटा वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे टकराती है मल्टीपल टाइम्स, और यहाँ पे जो कान का पर्दा होता है ना, इस कान के पर्दे के पास ये वाइब्रेशंस पहुंच जाती है। वाइब्रेशंस आर रीचिंग द कान का पर्दा, ठीक है, वाइब्रेशंस ऐसे ऐसे, याद करो ऐसे ही स्टेथोस्कोप में भी तो जाते हैं ना वाइब्रेशंस, स्टेथोस्कोप में भी तो ऐसे वाइब्रेशन जाते हैं, सेम तरीके से वाइब्रेशन आते जा रही है। प्लस इसके अंदर अगर मैं इस कैनाल की बात करूं, ध्यान से देखते रहना, अगर आप इस कैनाल की बात करो तो इस कैनाल के अंदर आपको ना कुछ ग्लैंड्स मिलेंगे जो मैं ऑरेंज कलर से बना रहा हूं। इन ग्लैंड्स को कहते हैं सेरुमिनस ग्लैंड्स। इस सेरुमिनस ग्लैंड्स क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे सेरुमेन, क्या करेंगे सेरुमेन, और सेरुमेन को नॉर्मल इंग्लिश में बोला जाता है ईयर वैक्स। देखा ना, कान के अंदर मेल जम जाती है, ईयर वैक्स जम जाता है, वो कौन बना था, सेरुमिनस ग्लैंड्स। हमें सांस लिया तो नाक के अंदर, नोज के अंदर हेयर होना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो हवा अंदर जा रही होती है उसको फिल्टर करना है, उस हवा को अपने को क्या करना है, फिल्टर करना है। ये काम कौन करता है, नेजल हेयर। कान के अंदर इन सेरुमिनस ग्लैंड्स का काम क्या है, कोई हवा अंदर जा रही है उसको फिल्टर तो कर नहीं रहा है, तो ग्लैंड्स वैक्स बना रहे हैं, वैक्स क्या करेंगे, समझना मेरी बात अच्छे से। आप रात को सो रहे हैं तो आपका मुंह बंद है, खुला तो नहीं होगा, तो कोई अगर कीड़ा वगैरह आपको मुंह में तो नहीं जा सकता, वैसे भी जाने भी लग जाए तो मालूम लग जाए कोई चीज़ चढ़ रही है, लेकिन कान के अंदर बेटा कोई कीड़ा जा सकता है एकदम चुपके 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 चुपके, और कान के अंदर जाके आपके ईयर ड्रम को वो डैमेज कर सकता है, क्योंकि आपका ईयर ड्रम कान के इतना अंदर है, तो उसके ऊपर अभी मैंने कोई लिड नहीं लगाई, ऐसा नहीं कि रात को कान बंद हो जाते, हम जब सुनना चाहते हैं तब खुलते नहीं, 24 घंटे कान खुले रहते, तो कोई कीड़ा अंदर जा सकता है। तो जब कोई भी जानवर, कोई भी कीड़ा जब अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो जब वो अंदर जा रहा है तो कंडीशन क्या होती है, समझा दो, आपने बचपन में कभी उंगली डाली है यहाँ पे, या पेंसिल डाली है बाद में मुंह में डाली है, कड़वा कड़वा लगा ना, यानी ये जो कान की मैल होती है, जो हमारा ईयर वैक्स होता है, बड़ा ही बेटा कड़वा होता है, बड़ा बिटर होता है। तो जब ये इंसेक्ट्स कान के अंदर जाते हैं तो उनको भी टेस्ट करने में मालूम लगता है कि ये कान की ये चीज बड़ी कड़वी कड़वी है, तो उनको रियलाइज होता है भाई हम इस गुफा में अंदर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उनको लगता है कि शायद अंदर खाना पड़ा हो। लेकिन जब चारों तरफ इस तरीके से कान की मैल होती है ना, और उसकी वजह से वो कड़वा कड़वा उनको महसूस होता है, तो दे डोंट गो इनसाइड द ईयर, ये वाली बात है, समझ गए। तो सेरुमिनस ग्लैंड्स एक तरीके से प्रोटेक्शन मैकेनिज्म क्या है, एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। आगे देखिए, यहां तक अगर ईयर के नाल की बात करूं, इट टेक्स साउंड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, क्लियर है, इट इज हेयरी, ओके, हैज सेबेशियस वैक्स सिक्रीटिंग ग्लैंड्स कॉल्ड एज सेरुमिनस ग्लैंड्स। क्या काम करते हैं, आई बिलीव मैं आपको समझा चुका,
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको हम ईयर ड्रम टर्म करते हैं, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आती हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में बेटा एक ना एक पर्दा है, कान का पर्दा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ना एक मोटी सी परत है, यानी अगर मैं इस तरीके से बनाऊं कि इस तरीके से इतना मोटा ये कान का पर्दा है, ओके, इस तरीके से अगर सिंपल शब्दों में बनाते, सिंपल तरीके से इस, जब कान के पर्दे की बात करी जाती है तो कान के पर्दे के अलग अलग पार्ट्स हैं, पार्ट्स इन द सेंस अलग अलग इस कान के पर्दे में अलग अलग लेयर्स हैं। तो ये वाला लेयर एक दिखा रहा हूँ जो मैं ब्लू कलर से आपको यहाँ दिखाई दे रही है, और एक लेयर दिखाऊंगा मैं रेड कलर से। ठीक, देखो मैंने रेड और ग्रीन को मिलाया ब्लैक बन गया, और रेड और ब्लू को मिलाया मैंने डार्क ग्रीन बन गया, ग्रीन और ब्लू को मिलाया तो डार्क ग्रीन बन गया। कलर कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं। ये कान का पर्दा है बेटा, अगर कान के पर्दे की हम ये वाली एरिया देखते हैं ना, तो ये बना हुआ एपिथेलियल टिश्यू, ये वाला बना हुआ म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, और बीच में यहाँ पर होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये बात आपको समझाना चाहता था। When you looking at the कान का पर्दा, this is what you realize. क्या दिखता है आपको कान के पर्दे के अंदर, कि ये कान का पर्दा ऐसी एक मोटी परत है, मेम्ब्रेन है, जिसके एक तरफ यहाँ पर है म्यूकस मेम्ब्रेन और दूसरी तरफ है एपिथेलियल सेल मेम्ब्रेन। बोलो बात क्लियर हुई? सिंपल समझ आ गया, ये कान के पर्दे की बात होती। साउंड ट्रैवल करती है कान के अंदर, और जो ये कान का पर्दा है बेटा, ये साउंड आने से वाइब्रेट करता है। क्यों? क्योंकि जब इस तरीके से ये वाइब्रेशन यहाँ पहुंचेगी तो कान के पर्दे भी वाइब्रेशन जाएगी, और जब वाइब्रेशन कान के पर्दे पे जाएगी तो कान का पर्दा इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट कैसे करेगा, जैसी आवाज आ रही होगी। तो अब यहां से जब हम मिडल ईयर में जाते हैं तो कंडीशन क्या होती है कि इफ दिस इज ए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड यहां से जुड़ा हुआ होता है एक बोन जिसको कहते हैं मैलियस, मैलियस के साथ जुड़ी हुई दूसरी बोन जिसको कहते हैं इंकस, और इंकस के साथ जुड़ी हुई तीसरी बोन जिसको कहते हैं स्टेप्स, यानी मैलियस इंकस स्टेप्स, ये तीन बोन है। अब एक बोन दूसरे से जुड़ी हुई, और सबसे पहले ये जो मैलियस नाम की बोन है ये ईयर, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको टीएम लिख देता हूँ, समझ जाओगे तुम लोग, टीएम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इससे जुड़ी हुई। तो जैसे जैसे इस तरीके से वाइब्रेशंस आई, मैं कहता हूँ कि इस तरीके से वाइब्रेशंस आती हैं, तो वाइब्रेशंस आने की वजह से यहाँ पे वाइब्रेशन पहुंची, कान का पर्दा वाइब्रेट किया। तो कान का पर्दा जैसे वाइब्रेट किया तो सबसे पहले कौन वाइब्रेट किया, मैलियस, मैलियस ने ऐसे से वाइब्रेट किया, तो उसको देख देख के कौन वाइब्रेट किया, इंकस, इंकस ने जब वाइब्रेट किया तो उसको देख के वाइब्रेट किसने किया, स्टेपीज ने। यहां तक बात क्लियर हुई? तो वाइब्रेशंस जो होती हैं यहां पहुंचती हैं, फिर उससे मैलियस, फिर इंकस, फिर स्टेपीज से जा में पहुंचती है। इससे आगे कहां जाएगी ये अभी मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कि अब वाइब्रेशंस आगे जा रही हैं। तो पहली बात, ये बोन्स का, ये जो तीन बोन्स हैं, इन बोन्स का काम क्या, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाई डू वी नीड थ्री बोन्स इन हियर। देखो बेटा, अगर अभी मैं कुछ बोल रहा हूं तो मेरे बोलने से वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, या आपके बाजू में आपके घर पे कोई बोल रहा है तो उसके बोलने से वाइब्रेशन जनरेट हो रही है, बात जायज सी बात है। स्टेप देखना, आप जब कान के अंदर ये वाइब्रेशन जाती है ना, तो वो आवाज असलियत में बहुत धीमी होती है, बहुत ही धीमी होती है, लेकिन जब ये ईयर ड्रम वाइब्रेशंस मैलियस इंकस टेप्स के पास भेजता है ना, तो ये जो बोन्स होती हैं ये इस तरीके से वाइब्रेट करती हैं कि ये आवाज का जो एम्पलीट्यूड है, जिसको हम कहते हैं लाउडनेस, कितना जोर से बोला, इसको इंक्रीज कर देती है। समझो इस बात को, कि चाहे आप धीरे बोल रहे हो, अगर कोई व्यक्ति आपके बराबर धीरे बोल रहा है और मैलियस इंकस टेप्स धीरे, जैसे नॉर्मल बोल रहे हैं, समझो कि कोई व्यक्ति आपके बराबर नॉर्मल बोल रहा है और उस व्यक्ति की मैलियस इंकस टेप्स खराब है, तो शायद आवाज सुनाई भी ना दे, क्योंकि आवाज इतनी स्लोली पहुंचेगी। ये मैलियस इंकस टेप्स क्या काम करते हैं, ये बेटा आवाज के एम्पलीट्यूड को, यानी लाउडनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं।
यानी सिंपली शब्दों में, सिंपल शब्दों में कहूं तो ये क्या करते हैं, आवाज को एम्पलीफाई करते हैं। बोलो बात क्लियर हो गई, ये सुनो। अगर यस तो बहुत बढ़िया बात है, कहानी क्लियर। बोन्स का स्ट्रक्चर समझ आया आपको? बोन्स के बारे में ये कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, देखो ध्यान से। मैलियस, इंकस, स्टेप्स, तीन बोन्स। बोन्स की शेप देखी जाने लगी, और बोन्स की शेप देखने में ना रफली मैलियस की शेप किससे मिलती थी, स्टेप्स की, एनविल इंकस की शेप किससे मिलती थी, मैलियस एक हथौड़े जैसा मिलता था, हैमर बोल दिया। जो इंकस होता है वो एक एनविल जैसा, एनविल बेटा आप नेट पर सर्च करो, जैसे एक मोची के पास होता है एनविल, उसके जैसा मिलती थी। स्टेप्स, स्टिरप, स्टिरप मतलब एक हुक की तरह। तो इस तरीके से हैमर, एनविल, स्टिरप, ये वो तीन शेप्स हैं जो मैलियस इंकस स्टेप्स की। और इन शेप्स को याद करने का तरीका वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने बताया था मिस, मिस इज मैलियस इंकस स्टेप। तो मिस समझ लो, जो लड़कियों को मिस कहते हैं तो हम कहते हैं मिस हैज, मिस के पास कुछ है, क्या है, मिस हैज अ बुक, सिंपल। तो मैलियस का हैमर, इंकस का एनविल, स्टेप्स का स्टिरप, इस तरीके से तीन नाम बन जाते हैं, तीन शेप के अकॉर्डिंग नाम दे दिए जाते हैं। यहां तक समझ गए? द मैलियस इज द आउटर मोस्ट, इट इज अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। इंकस मिडल वाला है, क्लियर। स्टेपीज इज अटैच टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। अब ये ओवल विंडो क्या है, ये कॉक्लिया क्या है, ये वाली बात आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी के लिए ये समझो कि यू स्टेशन ट्यूब क्या होता है, यू स्टेशन ट्यूब। अब क्या कीजिए बेटा, कि शायद आप में से कुछ लोगों ने प्लेन में ट्रैवल किया होगा, लेकिन एक काम करो, इस तरीके से अपने नाक को बंद करो और ना हवा का प्रेशर निकाल लगाओ, कि मुंह से हवा नहीं निकालनी, और ऐसे कोशिश करो कि जैसे नाक से तुम हवा निकालोगे। तो उससे क्या होगा, जो ये कान हो गए ना, ये कान ऐसा आपको ना थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा, आपको ना कुछ ऐसे करोगे तो आपको कान के अंदर कुछ महसूस होगा। ऐसा क्यों होता है, जब हम लोग किसी व्यक्ति को देखते हैं ना इस तरीके से, इस तरीके से किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, तो यहां से बेटा ये थ्रोट इस तरीके से ईसोफेगस जाता है। अगर मैं इस डायग्राम को इस तरीके से बनाऊं तो मालूम है, ये इस तरीके से एरिया दिखाई देता है, जैसे नाक से इस तरीके से छेद से आ रहा है, ये माउथ आ रहा है, ऊपर वाला एरिया ये जो येलो कर दिया मैंने, ये एरिया है नेसोफेरिंक्स, राइट। उसके बाद फिर नीचे आता है ओरोफेरिंक्स ये वाला, उसके नीचे फिर आता है लेरिंगोफेरिंक्स, इस तरीके से स्ट्रक्चर्स है। इस आदमी में ना कान यहां पर है, मान लो बहुत ऊपर दिखा दिया, बट चलो समझने के। अब कान में मिडल ईयर में एक ट्यूब थी, यूस्टेशियन ट्यूब। ये क्या करती है ना, ये यूस्टेशियन ट्यूब ना कान को ना नेसोफेरिंक्स से जोड़ती है, यानी ये यूस्टेशियन ट्यूब ये वाली जो बनाई, इसने ईयर को, इस ईयर को ऐसे जोड़ दिया था। मीन्स दिस इज, समझ लो कि यूस्टेशियन ट्यूब, इस यूस्टेशियन ट्यूब ने ईयर को नेसोफेरिंग से जोड़ दिया। तो अगर हम कान में स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये कान का स्ट्रक्चर हुआ, ये कैनाल हुआ, ये ईयर ड्रम हुआ, यहाँ मेलियस इनका स्टेप्स मिले, और समझ लो कि ये पूरा का जो पूरा है ये यूस्टेशियन ट्यूब है, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा पोर्शन इस तरीके से है जिसको हम नेसोफेरिंग्स कहते हैं। यहाँ पे ये आदमी का नाक था, और ये आदमी का इस तरीके से, ये आदमी का नाक, अरे यार क्या बना रहा, ये आदमी का मुंह है समझ लो। अब ये कान है, दिस इज ईयर, आंख मत समझना, थोड़ा डायग्राम बर्बाद सा है बट समझ लो, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो अब क्या है कि जब आप इस नेसोफेरिंक्स की बात कर रहे हैं, जब इस तरीके से जा रहे हैं, तो भैया यहां पर जरा गौर करो, इस एरिया में जो ये ईयर ड्रम है जिसको अपन लाल सा बना देते हैं, ये जो अपने पास ईयर ड्रम है, इस ईयर ड्रम के बाहर यहां पे एयर मिलेगी, एटमॉस्फेरिक एयर, और इस ईयर ड्रम के अंदर तो बंद है, यानी मैं इस ईयर ड्रम को अगर इस तरीके से देखूं तो
कान के बाहर से जो हवा आ रही है वो यहाँ पे प्रेशर डाल रही है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ पे प्रेशर डाल रही है। तो अंदर की तरफ से कौन सा प्रेशर लगता है? अंदर की तरफ से ना, ये जो आपके पास यू स्टेशन ट्यूब जा रहा था ना बेटा, ये नोज के अंदर खोल रहा था और माउथ के अंदर, नेजो, बेसिकली मैं नेजोफेरिंग की बात करूँगा। तो यहाँ से जो एयर होती है वो नोज और माउथ से जो बॉडी के अंदर एयर होती है वही एटमॉस्फेयर पे एयर यहाँ से भी प्रेशर लगाती है। यानी आप समझो इस बात को कि आपने खाली प्लास्टिक की बॉटल ली और सब करके एयर बाहर निकाल देते हो, तो यानी उसके अगर अंदर से बाहर एयर निकाल देते हो ना, यानी उससे एयर निकाल देते हो बॉटल से बाहर, तो बॉटल इस तरीके से क्रश हो जाती है, हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जब एक कान का पर्दा है उसके एक तरफ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, तो वो क्या करने की कोशिश करता है कि कान के पर्दे को अंदर की तरफ धकेलने की कोशिश करता है कि ऐसा कि अंदर की तरफ खींच के कान का पर्दा फट जाएगा। लेकिन हमारी बॉडी ने इंतजाम किया हुआ है कि बाजू में अंदर से बराबर तरीके से एयर अंदर की तरफ से भी आए, तो अंदर की तरफ से किसकी मदद से आती है? यू स्टेशन ट्यूब की मदद से आती है। और यू स्टेशन ट्यूब की मदद से जो एयर आती है वो क्या करती है? इक्वलाइज द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के दोनों तरफ दोनों बाजू में जो प्रेशर होता है उसको इक्वलाइज करती है। इक्वलाइज का मतलब बराबर रखने में मदद करती है। कभी बेटा अगर ऐसा हो जाए कि ईयर ड्रम के एक तरफ और ईयर ड्रम के दूसरी तरफ अगर प्रेशर बराबर बराबर ना हो, तो प्रेशर बराबर ना होने की वजह से ईयर ड्रम खराब हो सकता है। ठीक, अब आप आंख बंद करते हो, नाक बंद करते हो, ऐसे जोर से प्रेशर लगाते हो, तो ईयर का प्रेशर आप बढ़ा रहे हो ईयर की तरफ, तो कान की तरफ जो ईयर का प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो आप ईयर ड्रम में प्रेशर फील कर सकते हो। इसलिए जब होता है कि किसी को अगर आप दबा के खिंचा के झापड़ मार दो, तो झापड़ मारने से इतनी सारी हवा, ऐसे हवा जाती है, देखो थप्पड़ मारा कान के ऊपर तो हवा एकदम कान के अंदर इस तरीके से गई, इतनी तेज हवा अंदर जाती है कि जो एक कान का पर्दा होता है वो झनझना आ जाता है। और बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि किसी को खींच के तुमने ना रैपट अगर तीन मतलब मन जो जज्बे में आके ना, तो जोश में आके कि रैपट किसी के तुमने कान के नीचे लगा दिया ना बेटा, दबा के मतलब खींच के मार दिया, तो उस बंदे के कान का पर्दा फट जाता है। तो इसलिए कभी कभी थप्पड़ मारने से कान से खून निकलता है, क्यों? क्योंकि कान का पर्दा फट जाता है। और अगर कान का पर्दा फट जाए और इतना फट जाए कि दोबारा ठीक ना हो, तो उस आदमी को उस कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब वाइब्रेशन दोगे तो वह कान का पर्दा वाइब्रेट करने के लिए ठीक थोड़ी होगा, वो तो फट चुका है। तो ना कान का पर्दा वाइब्रेट करेगा तो ना आगे मेलियसिंग का स्टेप्स वाइब्रेट करेंगे, जब मेलियसिंग का स्टेप्स वाइब्रेट नहीं करेंगे तो आवाज़ आगे तक नहीं जा सकती। ये किसकी बात हो रही थी? ये पूरा का पूरा ईयर की एक्सटर्नल और मिडल ईयर की बात हो रही थी। तो बोलो यू स्टेशन ट्यूब आपको मस्त क्लियर हो गया? ठीक है, अगर यू स्टेशन ट्यूब आपको मस्त क्लियर हो गया है, तो अब आपको नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर दिखाना है, जो नेक्स्ट बात करनी है वो किसकी है, वो अब लेट मी हैव द स्ट्रक्चर। अब आपको इनर ईयर के स्ट्रक्चर समझाना है। इनर ईयर की फोटो होना तो भैया आपको बढ़िया से दिखाई जा सके, अगर नहीं तो एनसीईआरटी वाली दिखानी पड़ेगी। चलो एनसीईआरटी की वाली बात देखते पहले, सबको इरेज करते हैं। मैं आज आपको अभी के लिए मैं इंटरनल ईयर की फोटो दिखाऊंगा, इंटरनल ईयर का बेसिक स्ट्रक्चर बता दूंगा, और बची कुछ बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे देखो, इधर आपको मेलियस इंकस स्टेप्स, ये मेलियस, ये इंकस, ये स्टेप्स आपको दिखाई दे रही है। अब जो स्टेप्स होती है ना, वो स्टेप्स कहीं से जाके तो मैच कर रही है। मैं जरा ना हाईलाइट कर दूंगा तो आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये रीजन जो मैं बेटा अभी इस पेंसिल से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द कंप्लीट रीजन ऑफ द इंटरनल ईयर। देखो ऐसे जैसे अंदर से घुमा हुआ स्नेल की तरह, ऐसे इंटरनल ईयर का एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा जो मैं बना रहा हूं इस तरीके से, इंटरनल ईयर के हिस्से। आपको पूरी फील आ रही है कि इंटरनल ईयर कैसा है? ये है बेटा पूरा का पूरा इंटरनल ईयर इंक्लूडिंग दिस, ठीक है। अब इंटरनल ईयर को जब बेटा हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, तो दिस इज द इंटरनल ईयर, एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। इंटरनल ईयर के दो हिस्से, जो नीचे गोल गोल घुमा वाला हिस्सा है वो है कॉकलिया, एक ऊपर ऊपर ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है,
दिस कंप्लीट हिस्सा इज वॉट वी कॉल एज वेस्टिब्यूलर एपरेटस. क्या है वेस्टिब्यूलर एपरेटस? क्या है अभी मत पूछना, बस अभी ये देखो ये कान के दो हिस्से हैं. ठीक है, अब इतना क्लियर हुआ. चलो मैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस को और इसको मिटा के जरा आपको बात समझाता हूँ. इधर से ये जो ये थी, ये अपने पास स्टेपीज, ये स्टेपीज जा रही है और इस कान से जुड़ रही है. जब वो ईयर को जाके जुड़ती है तो कहाँ पे जुड़ती है? इंटरनल ईयर में. जरा तुम ये वाला स्ट्रक्चर बड़े ध्यान से देखना, इस वाली फोटो में मस्त दिखाई देगा. कि अब आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में अगर मैं बोलूं, यहां देखो ये पोर्शन जो इसके अंदर है, ये पोर्शन आपको गोल गोल मस्त मस्त दिखाई दे रहा है. दिस कंप्लीट गोल गोल पोर्शन इज व्हाट, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इसको अपन ने टर्म कर दिया कॉक्लिया. ठीक है, कॉक्लिया से ऊपर रेस्ट वाला पोर्शन, रेस्ट वाला ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पोर्शन, इसको इग्नोर करो. अभी के लिए कुछ पॉइंट दिखाना चाहता था, बड़े ध्यान से वो देखना. ये आपको जो गोल गोल इस तरीके से किया है, इसको मेंशन क्या किया बेटा, मैं येलो सा हाईलाइट करके दिखाऊं तो इसको मैंने ओवल विंडो मेंशन किया. यहां पे इस वाले स्ट्रक्चर में ना एक पतला सा पर्दा जैसा समझ लो, एक ऐसा होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक यहाँ पे, ये आपको ये जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, दिस ब्लैक पोर्शन, यहां से जो ये वाला ब्लैक जा रहा है, ये वाला ब्लैक वाला पोर्शन, ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन अपने को दिखाई दे रहा है, ये दिस पोर्शन इस इंटरनल ईयर का एक पर्दा है. कैसे? कि यहां से मेलियस, हिंकस, स्टेप्स, स्टेप्स इस तरह से एक पर्दे से जुड़ी हुई है. ये एक पर्दा जब नीचे की तरफ स्ट्रक्चर जाता है इस पर्दे से होके, तो नीचे वाला स्ट्रक्चर इस तरीके से गोल गोल घूम जाता है, और जब इसके ऊपर इस तरीके से पर्दे से ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर जाता है, तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें मिलती. ये जितना मैंने बनाया, ये सारा का सारा इंटरनल ईयर है. इसके दो हिस्से थे, नीचे वाला कॉक्लिया और ऊपर वाला वेस्टिब्यूलर एपरेटस. ठीक है, ओके. ये वाला जो स्टेप्स जिस पॉइंट से जाके मिल रही है, जिस पर्दे से, इस पर्दे को अपन टर्म करते हैं ओवल विंडो. क्या नाम देते हैं इसको? ओवल विंडो. यहां तक की बात समझे? यहां तक की बात में आपको समझाया गया है कि इंटरनल ईयर कैसा होता है, ये ओवल विंडो होती है, और इंटरनल ईयर का बेसिक आउटर स्ट्रक्चर. इतनी अगर अपन बात कर चुके हैं तो अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इंटरनल ईयर की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो डिटेल्स मैं एक बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा. तो जितना अपन ने एक्सटर्नल और मिडिल ईयर के बारे में पढ़ लिया है, वो हम लोग एक बार एनसीईआरटी से देख लेंगे, उनको कलेक्ट कर डालेंगे, काम बन जाएगा. द ईयर परफॉर्म्स टू सेंसरी फंक्शंस, हेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस. पहला पॉइंट आता है स्टैटो अकाउस्टिक ऑर्गन कहते हैं ईयर को, इसीलिए. एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री मेजर सेक्शंस, द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर. आता है हमें The outer ear consists of pinna and external auditory canal, जिसको external auditory meatus कहते हैं. ये दोनों चीजें आपकी कहाँ रही हैं? Outer ear में. ठीक. The pinna collects the vibration in the sound which the pinna collects the vibrations in the ear which produce sound. ठीक है, ये vibrations आवाज वाली vibration को collect करता है. The external auditory meatus leads inwards and extends up to tympanic membrane. जहां तक membrane है वहां तक आपके पास canal. There are very fine hair, बहुत ही बारीक छोटे छोटे बाल, and wax secreting glands in the skin of the pinna and the meatus. ये भी बात मालूम है हमें. The tympanic, यहाँ पे अगर wax secreting glands बोला है तो बेटा यहाँ पे NCERT ने नाम नहीं दिया, बट आप underline करके लिख सकते हो जो मैंने आपको copy में बताया था, ceruminous. The tympanic membrane is composed of connective tissue covered with skin on outside and with mucous membrane on inside. जब हमने यहाँ पे बात करी थी इसकी, तो यहाँ पे skin on epithelial cell की membrane, skin on outside and mucous membrane on inside, and बीच में से क्या है? Connective tissue. Line दोबारा पढ़ो. The tympanic membrane is composed of connective tissue covered with skin on outside and with mucous membrane inside. बात हो गई ना? The middle ear contains three ossicles called malleus, incus, stapes. Okay.
विच आर अटैच्ड वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन, ये भी मालूम है। द मैलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड स्टेप्स इज अटैच्ड टू द ओवल विंडो ऑफ द कॉक्लिया। मेरी बात क्लियर हुई? ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया, यहाँ पे तुम्हें अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे जस्ट अभी अभी समझाया था कि यहाँ पर ये वाले इधर ये किससे जुड़ा हुआ है, ओवल विंडो से जुड़ रखा है। कॉक्लिया वाले रीजन की, इस कॉक्लिया वाले रीजन में आ रही है ना ये ओवल विंडो, ये ओवल विंडो कॉक्लिया वाले रीजन में आ रही है, इससे जुड़ा हुआ। द ईयर ऑसिकल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। इस लाइन का मतलब क्या है? ईयर ऑसिकल्स जो बाहर से आवाज आ रही होती है उसकी एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं। द यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द मिडिल ईयर कैविटी विद द फैरिंग्स, नेसोफैरिंग्स से करता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, द यूस्टेशियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ द ईयर ड्रम। क्या ये वाली बात अब आपको क्लियर हो चुकी है? जब ईयर ड्रम के बाहर से एयर है तो यूस्टेशियन ट्यूब अंदर से एयर का प्रेशर लाके ईयर ड्रम के आसपास एयर के प्रेशर को इक्वलाइज करने की कोशिश करती है। यहां तक डन। इसके आगे बात इन्होंने ना इनर ईयर की करी हुई कि इनर ईयर एग्जैक्टली कुछ ऐसा सा देखने में होता है, काटने में हमें ईयर इनर ईयर ऐसा दिखेगा। ये वाली बात ना बेटा क्लियर नहीं होती, समझ नहीं आती, तो मैंने तुम्हें इतना समझाऊंगा, मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझना। जब हम इनर ईयर के स्ट्रक्चर की डिस्कशन करते हैं या बातचीत करते हैं तो हमें क्या मालूम लगता है? इनर ईयर बेटा एक भूल भुलैया की तरह है। क्या है? एक भूल भुलैया की तरह। और जो मैं भूल भुलैया का बात बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। एक इस तरीके से एक बहुत बड़ा एक टनल है इनर ईयर, ऐसे एक टनल है। और वो टनल ना यहाँ पे किस चीज का बना हुआ है? बोन का बना हुआ है, ठीक है, क्लियर। और इस टनल के अंदर एक और टनल है, और ये जो दूसरा वाला, ये जो टनल आपको अंदर वाले हिस्से में दिखाई दे रहा है ना, ये टनल ना एक मेम्ब्रेन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? मेम्ब्रेन का बना हुआ है। यानी बाहर एक बहुत बड़ा टनल और उस टनल के अंदर एक और टनल, और यहां पे आप चल रहे हो। यानी आप जब यहां पे चल रहे हो तो आप ऊपर देखोगे तो यहां पे मेम्ब्रेन का बना हुआ है, दैट मींस आपको ऊपर सेल्स दिखाई देंगे, यस और नो? यस। आपको नीचे सेल्स दिखाएंगे, यस और नो? यस, ठीक है। और बेसिकली आप इस एरिया में चल नहीं रहे हो, आप इस एरिया के अंदर तैर रहे हो। क्या कर रहे हो? तैर रहे हो। इस पूरे के पूरे एरिया के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। जो बीच वाले एरिया में, क्या बाहर वाले एरिया में पानी भरा हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बाहर वाले एरिया में पानी भरा हुआ, तो मैं कहूंगा जो बाहर वाला टनल है उसमें भी पानी भरा हुआ है, लेकिन उसका कलर चेंज है। और जैसे क्योंकि पूरा का पूरा ये बाहर वाला जो टनल था, बड़ा वाला टनल था, तो उसके अंदर इस तरीके से पानी भरा हुआ था, लेकिन जिसके अंदर आप तैर रहे उसके अंदर कोई और पानी भरा हुआ। तो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर स्टोरी है क्या? एनसीईआरटी कहते हैं कि इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केला टिम्पैनी, स्केला वेस्टिबुलाई, बेसिलर मेम्ब्रेन, रीजनर्स मेम्ब्रेन, स्केला मीडिया, एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। ये सब बातें मैंने कुछ बोल दी हैं, नाम किसी का नहीं लिखा। ये सब स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, ये सब बातें हम पूरी की पूरी समझेंगे द नेक्स्ट लेक्चर। एक बात जरा आपका फोकस कहीं पर लेके जाना चाहता था, वर्ड है लैबिरिंथ। लैबिरिंथ को अगर सिंपल शब्दों में हिंदी में बोला जाए तो उसको कहते हैं भूल भुलैया। मैंने खराब हिंदी लिख दी होगी बट चलेगा, भूल भुलैया इसको कह सकते हैं। यानी एक ऐसी जगह हम जहाँ गुम हो सकते हैं। भूल भुलैया ऐसे चलता है, मतलब पूरा ईयर इधर 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 इस तरीके से घूमता रहता है। ये लैबिरिंथ है। लैबिरिंथ को बेसिकली और भी क्या कहते हैं? चेन ऑफ टनल्स, क्लियर। तो ये टनल्स कैसे हैं, किस चीज से भरे हुए, क्या काम है, ये सारे की सारी स्टोरी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बेटा अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जितना आपको बताया उतना बचाओ। बहुत ही सिंपल था लेक्चर, एनसीईआरटी के दो पैराग्राफ जितना, लेकिन बाकी स्टोरी इस लेक्चर की फंडामेंटल्स पर डिपेंड करती है जो आप नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे। तो आज की बात इतना ही। खूब मन लगा के पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बहुत दूर जाना। इसके साथ साथ बेटा आज के लेक्चर यहाँ फिनिश करते हैं। खुश रहो, फोड़ते रहो।